मांगी नावन के वठ आना, मांगी नावन के वठ आना। ऊपर से कहई तुम्हारा मरम मैं जाना, कहई चरण कमल रज कहूँ सब कहई, चरण कमल रज कहूँ सब कहई। क्या कहते सब मानुष करनी मूरे कछु आई, मानुष करनी मूरे कछु आई। मैंने सुना है छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। प्रभु बाहर तेना काठ कठिनाई, बाहर तेना काठ कठिनाई। आप ही विचार करिए तरनी उमुनी घरनी होई जाई, तरनी उमुनी घरनी होई जाई। और ऊपर से पाठ परई मोरी नाव बुलाई, पाठ परई मोरी नाव बुलाई। सत्य कहता हूँ मैं क्या एही प्रतिपालूं सब परिवारों, एही प्रतिपालूं सब परिवारों, नहीं जानूं कछु और कबारों, नहीं जानूं कछु और कबारों। आप जो प्रभु पार आवसिगा कह दिया, एक ही सांस में सब कह दिया। क्या भगवान ने नाव को मांगा, मांगी नाव, उसके बाद रुक कर बोलना है न केवट आना, और यदि बोल दिए मांगी नाव न केवट आना, इसका अर्थ हो जाएगा भगवान ने मांगा नहीं और केवट लेकर पहुंच गया। मांगी नाव न केवट आना, भगवान ने नाव को मांगा किससे, केवट भैया से, और केवट भैया बोल दिए लाऊंगा नहीं, मना कर दिए, और मना ही नहीं किए ऊपर बढ़ के भी कहते क्या कि मैं आपके मरम को जानता हूं इसलिए नहीं लाऊंगा। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि जन्म से मैं साथ में हूं, आज तक मैं इनके मरम को नहीं जान पाया, ये अबका आया केवट कहता है मरम जानता हूं। बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से अपने आश्रम में, प्रभु जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, ते उ न जाने मर्म तुम्हारा, वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मर्म को नहीं जानते, और ये केवट भैया कहते कि मैं मर्म जानता हूं। क्यों जानते हैं? क्योंकि राम जी ने इनको जन्माया है इसलिए जानते हैं। सोई जानई जेही देहु जनाई, बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी से, प्रभु आपके मरम को वही जान सकता है
जिसको आप जनवाएंगे और जो आपके मर्म को जान गया, जानत तुमाई तुमाही फिर तुमई हो जाई। पहले तुमही है, बाद में तुमई है। आपको जान कर वो आपका हो जाएगा, अर्थात जो भगवान के मर्म को जान लेगा वो फिर जगत वालों के काम का नहीं रह जाएगा, वो फिर जगदीश के काम का हो जाएगा। इसलिए जगदीश का काम का कौन होगा? जिसको राम जी अपने काम का समझेंगे, जिसको समझेंगे उसी को जनवा देंगे। इसलिए कथा कहती है भगवान को जानने की चेष्टा मत करिए। क्यों? ये हमारे आपके बस के बाहर की बात है। फिर मान लीजिए, मान लीजिए कि हमारे पिता हैं ये, मान करके इनसे प्रेम बढ़ाइएगा ना, लाड़ बढ़ाइएगा ना, तो एक दिन मानते मानते इनकी करुणा बरसेगी और ये आपका मानना आपके जानने में बदल जाएगा, आप जान ही जाएंगे। केवट भैया कहते हैं कि मैं आपके मर्म को जान गया। क्या मर्म को जान गया भाई? पिछली रात्रि निषाद जी ने पहरे में खड़ा किया था ना, जहां लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु वार्ता कर रहे थे, सत्संग चल रहा था, बगल में ही केवट भैया खड़े होकर पहरा दे रहे थे और चुपचाप पूरी बात सुन गए। क्या सुन गए? राम जी ब्रह्म हैं, इनके चरण में मनसा वाचा कर्मणा प्रेम करना ही परमार्थ है। केवट भैया सोचने लगे भगवान ही आ गए, आए हैं। इसका अर्थ है इनके चरण में प्रेम करना परमार्थ है, तो इनके चरण को आज तो छोड़ूंगा नहीं, धोकर अवश्य पीऊंगा। अब प्रेम करने का तो समय है नहीं, क्यों? आए हैं चले जाएंगे, फिर क्या करूं? धोकर पी जाऊं तो प्रेम हो जाएगा। केवट भैया पांव पकड़ के बैठे हैं भगवान का, कहते प्रभु लोग ऐसा कहते हैं कि आपके पांव में जो धूर है, जो रज लगा है, वो रज कोई साधारण नहीं, जड़ी है, वो जड़ी बूटी है। कैसी जड़ी बूटी है? वो मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है प्रभु, मैंने ऐसा सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने पीछे कभी किसी पत्थर को स्पर्श किया, वो सुंदर स्त्री बन गई। प्रभु आप विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, आप ही बताइए, जब पत्थर स्त्री बन सकती है तो ये मेरी नाव पत्थर नहीं, लकड़ी है, और लकड़ी में भी दिन रात पानी में रहती है तो पानी पी पी के मोटी हो गई है, कोमल हो गई है। पत्थर को तो समय भी लगा होगा, ये तो देखते बन जाएगी ना प्रभु? ना, इस नाव को छोड़कर दूसरा मेरे पास कुछ है भी नहीं, इसी से पूरा परिवार का पोषण होता है। है? अरे पत भरी सहरी सकल सूत बारे बारे, घर में भोजन नहीं है, बारे बारे के वट के जाते कछु वेदना पढ़ाए हो, के वट के जाते कछु। प्रभु घर में भोजन नहीं है, इसी नाव से परिवार का पोषण होता है। घर में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम वेद भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाए तो पूजा पाठ करा के परिवार का पोषण हो जाए। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, सब परिवार मेरो इसी नाम के भरोसे पूरा परिवार है। हाँ दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई, आपके स्पर्श करने से मेरी नाव स्त्री बन गई तो इस नाव तो गई, मेरी नाव तो गई। हम गरीब हैं, पैसा भी नहीं है कि दूसरी नौका बनवा लेंगे। और प्रभु एक खतरा और है, जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है, ब्राह्मण। मैं जात का मल्लाह हूँ, अछूत हूँ, वो आएगी तो कहेगी तुम अछूत हो, मेरे लिए नया घर बनवाओ,
नया कपड़ा लाओ, नया बर्तन वासन करो, दूर रहना हमसे। एक पत्नी तो पहले से संभाली नहीं जाती, दूसरी को देखकर क्यों आफत में डाल रहे हैं हमको प्रभु। गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरे, गौतम के घरनी जो तरनी तरेगी मोरे, प्रभु सोनी साध होई के बाद ना बढ़ाए हो, प्रभु सोनी साध। झगड़ा मत करवाइए मेरे घर में आप। तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाए, साफ कही गए प्रभु मुझे झमेले में मत डालिए। मैं सीधा सीधा कहता हूं, जब तक पांव नहीं धोऊंगा इस नाव के पास फटकने नहीं दूंगा आपको, चढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं करना है प्रभु, मैं केवल उस जड़ी को निकालूंगा पांव से धोकर। पांव से जड़ी निकल गई, नाव पे चढ़ जाइए। केवट भैया ने कहा भगवान मौन। केवट भैया ने कहा प्रभु क्या बोलने में कोई तकलीफ है क्या? यदि बोलना नहीं चाहते तो इशारा भी करिएगा तो चलेगा, इशारा कर दीजिए सर से, हाँ भाई धो लो। बोले बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 बात चाह दोनों की है, देर किस बात की,
शीघ्र ही कुछ हाँ शीघ्र ही कुछ न कुछ है सला केवट भैया ने कहा प्रभु इशारा करिए, प्रभु ने इशारा भी नहीं किया, अब क्या? केवट जी समझ गए। अब तनिक केवट जी का नाटक देखिए, भगवान जब कुछ नहीं बोले ना तो थोड़ी केवट जी रूठने का नाटक करने लगे कि नहीं धुलाना मत धुलाइए, मैं जान गया आपको पार और नहीं जाना है। एक संत कह रहे थे, केवट भैया कहते हैं भगवान से, प्रभु मैं आपकी चतुराई समझ गया, जैसे पिछली बार आपने पत्थर को स्पर्श करके स्त्री बनाया और गौतम जी को दे दिया ना, लगता है इस बार भी आप किसी मुनि को वचन देकर आए हैं, रुको रुको तुम्हारे लिए पत्नी लाता हूं, और आप मेरी नौका को स्पर्श करके स्त्री बनाना चाहते हैं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मत धुलाइए, नहीं धुलाएंगे तो पार नहीं जाएंगे, और पार नहीं जाएंगे तो हमको नित्य आपका दर्शन मिलेगा, मेरा लाभ ही लाभ है, मत धुलाइए। अब तक तो मैं कहता था कि मैं धोऊंगा, अब मैं बोलता हूं मैं नहीं धोऊंगा, यदि आपको पार जाना है नाथ तो अब आप अपनी ओर से कहिए कि केवट आओ मेरे पांव को धो और मुझे नाव पर बिठा कर गंगा के उस पार ले चलो, तब मैं धो कर ले चलूंगा, नहीं तो अब मैं बोलने वाला नहीं, मत धुलाइए। इस पर भी भगवान मौन बैठे हैं। क्यों भगवान क्यों मौन है? भगवान ये देखना चाहते हैं कि ये क्या क्या बोल सकता है, कितना बोल सकता है, क्या क्या बोल सकता है। भगवान चुपचाप, छोटा बच्चा जब बात करता है ना तो उसके पिता जो होते हैं बड़े लोग होते हैं चुपचाप हाँ चुपचाप उसकी बात सुन के सिर हिलाते, क्यों? देखा जाए क्या क्या बोलता है। फिर केवट भैया को ध्यान, अरे राम मैंने तो गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्यों? इनका स्वरूप देखकर लगता है कि इनके पास मुझे देने के लिए कुछ है नहीं, वनवासी के रूप में है, और मैंने पहले ही अपनी इतनी गरीबी सुना दी कि प्रभु बहुत गरीब हूँ, घर में भोजन नहीं है, इसी नाव से परिवार चलता है, लगता है इनके पास कुछ देने के लिए है नहीं, और ये मारे संकोच में नहीं बोल पा रहे हैं कि यदि केवट ने पार उतार दिया तो उसे उतराई क्या दूंगा मैं। अच्छा अच्छा अब बीमारी पकड़ में आई है, कोई बात नहीं, पहले बोल दिए होते आप कुछ है नहीं। केवट भैया प्रभु को उस भार से भी मुक्त कर दिए, क्या बोले? पद कमल धोई चढ़ाई नाव ननाथ उतराई पर
पाल पार उतारे हम। केवट भैया ने क्या कहा, प्रभु पांव को धोऊंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, गंगा पार ले जाऊंगा, उतारूंगा, लेकिन बदले में कौड़ी उतराई नहीं लूंगा, कुछ लूंगा नहीं प्रभु, आपकी सौगंध, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं प्रभु, सत्य कह रहा हूं, कुछ उतराई नहीं लूंगा। लक्ष्मण जी ने सुना कि इसने भैया की और पिताजी की सौगंध ले ली, इतनी हिम्मत इसके, निकाल लिए बाण, मार दूंगा। केवट भैया बोले, बहुत अच्छा व्यवहार है आपका, एक भाई मांग रहा है और दूसरा भाई बाण निकाल के डरा रहा है, मार देंगे, मार दीजिए, मर जाऊंगा लेकिन बिना पांव धोए गंगा पार नहीं उतारूंगा। भगवान केवट भैया की बात सुन रहे हैं, कितना निश्चल हो, कोई भेदभाव नहीं, कोई छिपाव नहीं, जो है सो है, भला हूं कि बुरा हूं आपके सामने हूं। भगवान केवट भैया की इस बात को सुनकर मुस्कुरा दिए। सुन केवट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितै जानकी लखन तन। केवट भैया के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचनों को सुनकर मेरे प्रभु श्री राम जी मुस्कुरा उठे। अटपटे वचन, एक संत हमारे कोलकाता में है, बम्बम बाबा, एक दिन आए हम तो बोले, बेटा ये बता केवट का अटपटा वचन क्या है। हमने कहा, प्रभु जहां तक मुझे समझ है, एक ओर कह रहे हैं कि परिवार इसी नाव से चलता है और दूसरी ओर सौगंध लेते हैं कि मैं उतराई नहीं लूंगा, ये विरोधाभास है, यही अटपटा है। बोले देख, कोई भी आदमी कसम लेता है तो किसकी कसम खाता है, या तो अपनी खाएगा नहीं तो अपनी बाप की खाएगा। मैं पिता की सौगंध लेकर कहता हूं, या तो पिता की खाएगा नहीं तो अपनी सौगंध खाएगा। केवट भैया प्रभु के प्रेम में इतने लिपट गए हैं कि उनको ये पता ही नहीं रहा कि मैं अपने बाप की खा रहा हूं कि राम जी के बाप की खा रहा हूं। यही प्रेम में लिपटना है, अटपटा वचन है। और जैसे भगवान ने सुना, प्रभु मुस्कुरा उठे। देखिए, केवट भैया यूं ही नहीं बोल रहे, जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है माई बाप, वो कोई साधारण जीव नहीं हो सकता, इस बात को तय मानिएगा। केवट भैया कोई अनजाने में नहीं बोल रहे, वो जानबूझ के बोल रहे हैं। क्यों? केवट जी ये प्रयास कर रहे हैं कि मैं क्या बोल दूं कि भगवान हंस दे। क्यों हंसाना चाहते हैं? जब प्रभु ने गंगा तट से सुमंत जी को विदा किया ना, सुमंत जी साथ में थे तो राम जी को ऐसा लगता था कि हमारे ऊपर हमसे कोई बड़ा भी है जिसकी छाया में हम चल रहे हैं। और जैसे राम जी ने सुमंत जी को विदा किया, मेरे प्रभु को ऐसा लगा मानो मेरे सर से वो छाया ही चला गया। और सुमंत जी को विदा करने के बाद भगवान बहुत रोए, इतना मेरे राम जी रोए ना कि उनके गाल पर आंसुओं की धारियां बन गई। जैसे प्रभु केवट भैया के पास पहुंचे, केवट जी ने देखा भगवान बहुत रोए हैं, अब मैं भगवान को यहां से तभी विदा करूंगा जब मैं अपने भगवान को हंसा लूंगा, तब विदा करूंगा। कथा कह रही है, प्रसंग कहता है, कोई आपके घर में आए ना और घर से जब विदा लेकर जाए तो उसे रुला कर नहीं, प्रयास करिए कि वो हंस दे और उसे हंसाकर घर से विदा करिए। केवट भैया की बात को सुनकर भगवान मुस्कुरा उठे और कृपा के सिंधु कृपा करते हुए मेरे प्रभु श्री राम केवट भैया से बोले, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए। क्या बोले? सोई
भगवान मुस्कुरा कर बोले, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नौका बची रहे। केवट जी ने कहा, प्रभु पहले ही मैंने कहा था ना कि मैं गंवार हूं, आपकी इतनी गूढ़ भाषा मेरे समझ में नहीं आ रही है, सीधा सीधा कहिए ना क्या करना है। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु अब भी समझ में नहीं आ रहा इसको। प्रभु ने कहा, अच्छा रहने दो, मैं बोल ही देता हूं। प्रभु बोले, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, क्यों होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो, होत विलंब उतारे पारो। भगवान ने कहा, बेगी आनु जल, शीघ्र जल लाओ, पांव को पखारो, मुझे पार उतारो। क्यों? क्योंकि मुझे विलंब हो रहा है। केवट भैया सुने तो कहे, प्रभु ठीक है, अच्छी बात, अभी लाता हूं, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। लक्ष्मण जी बोले, अब क्यों रुक जाइए? केवट भैया बोले, अरे मैं तब से अपने को गंवार गंवार कह रहा हूं, इसका अर्थ मैं आप मुझे गंवार मान लिए क्या? गंवार हूं लेकिन उतना भी नहीं हूं। एक बात तो मैं भी जानता हूं कि कोई भी सत्कर्म, कोई भी परमार्थ, कोई भी धर्म का व्यवहार अकेले नहीं, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। तो प्रभु आज्ञा दे तो हम अपने परिवार वालों को बुला कर लावें। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु 4 घंटे से खड़ा किया है, अब जाएगा परिवारी जनों को बुलाने तो क्या पता आएगा कि भी नहीं आएगा। भगवान ने कहा, उपाय कोई है? दूसरा कोई नाव वाला भी नहीं है, उपाय नहीं है तो भेजो इसको, बिना बुलाए धोएगा नहीं है। केवट भैया, प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नी हो, प्रभु रुख आज्ञा पाकर दौड़े घर की ओर और जाकर बुलाए सारे बच्चों को, टुनुआ मुनुआ चुनुआ पुनुआ दौड़ो, सब सबको बुलाया और बुलाकर वही एक मीटिंग किया। केवट भैया ने कहा, देखो जाना, पांव पकड़ना, प्रणाम करना और प्रणाम करके चारों ओर से घेर कर बैठ जाना। पत्नी ने पूछा, घेर कर क्यों बैठना है? केवट भैया बोले, आज बहुत बार पांव धोऊंगा मैं, परेशान हो जाए तो भागने का मार्ग ना मिले उनको कि कहां से भागे, इसलिए घेर कर बैठ जाना। सब बंदी के चरण चौदेसी बैठे घेरी घेरी, बंदी के छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू, भेजी धोई पाय पियत पुनीत बार फेरी फेरी, पाय पियत पुनीत बार। केवट भैया किस व्यवहार को देखकर, तुलसी सरा है ताके भाग सानुराग सूर, तुलसी सरा है ताके भाग सानुराग सूर, हे जी परसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी, परसे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी, केवट भैया परिवारी जनों को बुलाए, सब प्रणाम करके घेर कर बैठ गए। केवट जी छोटा सा कठौता लिए हो, संत लोग कहते हैं कठौता क्यों लिए, संतों का ऐसा कहना है कि केवट भैया सोचे कठौती ले चलूंगा और यदि जड़ी ने काम कर दिया तो स्त्री बन जाएगी, कठौता ले चलूंगा
तो वो पुरुष बनेगा और पुरुष बन जाएगा तो मैं सेठ बन जाऊंगा और उससे नाव चलवाया करूंगा। कठौता छोटा सा लाए, लाकर रखें, भगवान के पांव को धोएं और धोकर ए जी धोई पाय पियत पुनीत बार फेरी फेर कर। पहले दाएं पांव को धोए, पी गए, कहे प्रभु बाएं वाला बाकी है, गए जल लाकर बाएं को धोए, फिर पी गए। लक्ष्मण भैया कहे हो गया ना, कहे नहीं हुआ नहीं, क्यों, सब तो मैं ही पी गया, ये घर वालों को उसी के लालच में बुलाया हूं, एक बार और धुला ले तो इनको भी थोड़ा पिला देता। गए जल लाकर फिर धोए, घर वालों को चरणामृत दिए। लक्ष्मण जी कहे हो गया ना, बोले आप तो चले जाएंगे, हमको इसी गांव में रहना है, गांव वाले एक भी हमको छोड़ेंगे नहीं, कहेंगे तुमने बेईमानी किया है, अपने पी गए हमको छोड़ दिए। प्रभु आखिरी बार धुला लीजिए, इसके बाद नहीं बोलूंगा। गए जल लाए फिर धोए और पूरे गांव वालों को कतार में खड़ा करके सबको लगे चरणामृत बांटने, 3 घंटा उसमें लगा। लक्ष्मण जी बोले प्रभु कहिए ना, प्रभु बोले कहां से कहे, देख नहीं रहे हो सबको प्रसाद बांट रहा है, बांट बूट के आए। तो लक्ष्मण जी कहे हो गया ना चलो, तो केवट जी सोचे अब इनसे बात करेंगे तो मार देंगे, कहेंगे ना ना हाँ हो गया आप रहिए। भगवान के पास जाकर धीरे से कहे प्रभु बस आखिरी बार और धुला लीजिए, अब की बार नहीं कहूंगा प्रभु। प्रभु ने कहा अब कौन बच गया, केवट जी ने कहा प्रभु हम जाति के मल्लाह हैं, हमें धर्म का ज्ञान नहीं, आज तक हमने अपने पितरों को कभी जल नहीं दिया नाथ, मैं चाहता हूँ कि आखिरी बार आपके पाँव को धोऊं और आपके चरणामृत से ही आपको साक्षी बनाकर मैं अपने पितरों को इस गंगा तट पर आपके चरणामृत से ही तर्पण करके उनको मुक्त कर दूं। केवट भैया जल लाए, पखारे और भगवान को साक्षी बनाकर अपने पितरों के नाम से जल देकर पितरों को मुक्त कर दिया। पद पखारे जलपान करी कैसे आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयउ ले पार। सबको पार करने के बाद केवट जी लेकर गए भगवान को उस पार। उस पार पहुंचते गंगा जी के तट पर सबसे पहले मेरी माँ उतरी, फिर मेरे प्रभु उतरे, निषाद राजगु उतरे, फिर लक्ष्मण भैया उतरे और सबसे पीछे केवट भैया उतरे। केवट भैया उतर कर क्या किए, केवट उतरी अदंडवत की। आप ध्यान रखिएगा, अब तक केवट भैया भगवान को प्रणाम नहीं किए, क्यों, केवट जी इस बात को भली भांति जानते हैं, यदि पहले ही प्रणाम कर लेंगे फिर जो राम जी बोलेंगे वो करना पड़ेगा, हमको तो भाई पहले अपनी वाली करनी है ना, पहले पांव धोकर पी लूं फिर प्रणाम करूं, तो पहले अपने मन वाली कर लिए, पार किए और उतार कर सबसे पहले भगवान को दंडवत किए। जैसे गिरे भगवान प्रभु ही सकुचाए ही नहीं कछु दीना। भगवान का एक स्वभाव है, जैसे कोई भगवान के चरणों में दंडवत करता है मेरे प्रभु शीघ्र अविलंब उसे उठाकर हृदय से लगाते हैं, लेकिन आज मेरे राम जी ने केवट भैया को उठाया नहीं, क्यों, प्रभु सोच रहे हैं ये संतान है, इसने कह दिया कि मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं पिता हूं, मेरा धर्म क्या कहता है, मैं कुछ दिए बिना विदा कर दूं, और आज मेरे पास इस केवट को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मारे संकोच के राम जी केवट भैया को उठा नहीं रहे। मेरी मां प्रभु के हृदय के भाव को जान गई, पिय ही की सिय जान निहारी, प्रभु ने कहा नहीं मन मुदरी मन मुदित उतारी, मां ने अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकाल कर और भगवान की ओर इशारे से कहा प्रभु कोई बात नहीं आप इस अंगूठी को ही उतराई में दे दीजिए। प्रभु ने केवट जी की ओर देखा, कहा केवट जी
कहे वो कृपाल ले ही उतराई। आप ध्यान रखिएगा, कई लोग कहते हैं कि प्रभु ने अंगूठी उतार कर, मां ने अंगूठी उतार कर प्रभु के हाथ में दे दी और वही अंगूठी प्रभु पहने रहे और वही अंगूठी प्रभु हनुमान जी से भिजवाए। ये गलत बात। कोई भी समझदार पति अपनी पत्नी की अंगूठी को अपने पास नहीं रखेगा। और स्त्री के लिए अलग प्रकार की अंगूठी आती है और पुरुष के लिए अलग प्रकार की अंगूठी आती है। स्त्री की अंगूठी पुरुष की उंगली में ही नहीं आएगी। प्रभु ने मां की अंगूठी ली नहीं, अंगूठी मां के ही हाथ में थी। प्रभु ने क्या कहा, कहे वो कृपाल ले ही उतराई। यदि अंगूठी राम जी लेकर देते फिर ले ही उतराई नहीं, राम जी कहते ले ही उतराई, लो। राम जी क्या बोले, ले ही उतराई, केवट आपकी मां आपको अंगूठी दे रही है, ले लो। केवट जी ने देखा कि मां ने अपने हाथ से उतारा। केवट चराना गहे अकुलाए। अब तक केवट भैया भगवान के चरण पर गिरे थे, दंडवत कर रहे थे, लेकिन जैसे देखा कि मां ने हाथ से अंगूठी उठा दिया, केवट जी भगवान के चरणों को जाकर पकड़ लिए, जकड़ लिए हो, कहना मेरे मां के शरीर पर आभूषण के रूप में यह अंगूठी ही है, मैं इतना बड़ा अभागा हूं, मेरे लिए मां को वो आभूषण भी उतारना पड़े। मैं जान गया आप मुझे झूठा बनाना चाहते हैं ना, मैंने प्रण लिया है, वचन लिया है कि मैं उतराई नहीं लूंगा और आप मुझे बरबस उतराई देकर इस केवट को झूठा बनाना चाहते हैं। प्रभु आप मुझे उतराई दे रहे हैं, मुझे क्या नहीं मिला। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आज मुझे क्या नहीं मिला, दोष दुख दरिद्रता और हृदय का ताप सब समाप्त हो गया। आपको देख लिया प्रभु, आपके दर्शन से मेरे नेत्र का दोष चला गया, आपको पाकर मेरे मन का दुख समाप्त हो गया। आपने इतना प्रेम दिया नाथ, मेरे स्वभाव की दरिद्रता चली गई और आपके चरणामृत को पीकर मेरे हृदय का ताप समाप्त हो गया, मुझे क्या नहीं मिला। एक बार राम की सौगंध उठा लिए, उनके पिताजी के सौगंध उठा लिए, प्रभु पार करूंगा, उतराई में कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मांगेंगे किस मुख से। और जो भगवान का दर्शन पा गया उसको पार होने से कोई रोकेगा, वो बचा है क्या। आप कल्पना करिए, केवट जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और यहीं पर केवट भैया ने बड़े बड़े मुनियों को देवताओं को पीछे छोड़ दिया। कौन नहीं मांगा हो, कौन नहीं मांगा। राम जी के पास जो आया वही मांगा। राम जी ने किसी से नहीं कहा कि मांगिए, सब अपने मन से मांगते रहे, भगवान देते रहे। और आज केवट को भगवान अपनी ओर से देते हैं तो केवट भैया कहते प्रभु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहे प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु आपका अनुग्रह मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान चित्रकूट तुलसी पीठाधीश पर भगवान कहते हैं, बेटा केवट भगवान से कहते हैं कि आपका अनुग्रह मिल गया। अनुग्रह का अर्थ समझते हो, हमने कहा नहीं गुरुदेव। तो गुरुदेव भगवान ने बताया, बेटा केवट कहते हैं प्रभु मेरे नवों के नवों ग्रह मुझसे प्रतिकूल हो गए हैं। अब गुरुदेव ने कहा ये पूछो ये कहां लिखा है प्रतिकूल हो गए हैं। अरे इतनी गरीबी है, घर में खाने खाने की आफत है, तो ये ग्रह का प्रतिकूल होना नहीं तो क्या अनुकूल होना है।
केवट भैया कहते हैं, प्रभु मेरे सारे ग्रह मुझसे प्रतिकूल हो गए हैं, आपने ऐसी कृपा बरसाई कि आज मेरे नवों के नवों ग्रह जो मुझसे प्रतिकूल थे आज मेरे अनुकूल हो गए। ग्रहों का अनुकूल होना ही अनुग्रह है। गुरुदेव भगवान वाचा, गुरु जी मेरे कहते हैं बेटा ग्रहों का अनुकूल हो जाना ही ये अनुग्रह है। केवट जी कहते हैं प्रभु आपका अनुग्रह मिल गया, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान बहुत करते हैं, केवट भैया कहते हैं प्रभु यदि आपको देना ही है, फिरती बार 14 वर्ष बाद जब आप वापस आएंगे उस समय आप जो देंगे सो प्रसाद में सिरधरी लेवा, सिर धरी लेबा, उसको प्रसाद समझ के मैं सिर उधारी करूंगा नहीं है। नियम है आपके घर से कोई जाए ना तो उससे लेकर विदा मत करिए, अपने पास से संभव हो तो उसके झोली में कुछ डालकर उससे विदा करिए। केवट जी कहते हैं प्रभु मेरे में इतना सामर्थ्य तो नहीं कि मैं आपको कुछ दे सकूं। अरे दे नहीं सकता, कम से कम आपके पास जो है वो तो ना लूं। आप आइएगा उस समय जो दीजिएगा मैं ले लूंगा, अब की बार नहीं प्रभु। बहुत किया राम जी ने, बहुत कीन प्रभु लखन सिय पर नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति बिमल बरु दे। बार बार कहने के बाद भी प्रभु कहें माँ कहें भैया लक्ष्मण कहें केवट जी ने कुछ नहीं लिया। प्रभु बोले मैं पिता हूँ कि तुम हो, मैं दूँ न लो, अरे ये नहीं लोगे, चलो मैं तुमको अपनी भक्ति देता हूँ। प्रभु ने केवट भैया को अपनी विमल भक्ति प्रदान कर दी। कथा कहती है जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उसको भगवान अपनी भक्ति देते। केवट भैया विदा लेकर गए।